सो फ्रेंड, आप लोग का दिमाग में चलता होगा एक बात कि ये आखिर बिजली बनता कैसा है। आप लोग का मन में भी बहुत सवाल होगा आखिर ये बिजली बन के आता कैसा है, हम लोग का घर में हम लोग बिजली को जलाते कैसे। तो हम इस टॉपिक पे आज पूरा वीडियो देखेंगे, जानेंगे और पूरा समझेंगे कि ये आखिर बिजली बन के आता कैसा है। तो पानी से बिजली बनने का सफ़र पूरा आज वीडियो पे देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो पे बने रहे अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बांध से पानी को रोका जाता है, उसके बाद पानी को फुल प्रेशर से छोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फुल प्रेशर से पानी को छोड़ा जा रहा है। उसके आगे में एक टरबाइन लगा रहता है जो इस तरह का रहता है, वो पानी टरबाइन को घुमाता है और वो टरबाइन कनेक्ट होके अपना जनरेटर के साथ अटैच रहता है, जो कि जैसे कि घूमता है, घूमने के बाद वो अपना जनरेटर स्टार्ट होता है। ये हम लोग का घर का जनरेटर छोटा वाला तो ये काम नहीं देता है, ये इससे बड़ा वाला जनरेटर काम देता है। ये सब है बड़ा वाला जनरेटर, ये सब में वहाँ लगा रहता है। तो टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट रहता है जो कि जनरेटर घूमता है। घूमने के बाद जनरेटर से बिजली पैदा होता है जो कि हम लोग का डायरेक्ट जाता है सबस्टेशन पे, जहाँ पे बिजली को स्टोरेज करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं सबस्टेशन। सबस्टेशन के आने के बाद यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, बिजली रखने का सिस्टम टावर सब लगा हुआ है। और यहाँ से फिर 132 केवी का टावर से उसके बाद और एक ट्रांसफार्मर पे इसको भेजा जाता है। ये जो टावर रहता है ये 22 मीटर से स्टार्ट होके 60 मीटर तक अप्रॉक्स रहता है इसका हाइट। ये पूरा स्टील का रहता है जो कि कभी ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद 132 केवी के बाद ट्रांसफार्मर में ट्रांसफ़र होता है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको 11 केवी करके देता है, 11 केवी करके ये ट्रांसफार्मर बना के देगा स्टेप डाउन 132 केवी से 11 केवी। उसके बाद उसको और एक सबस्टेशन के पास भेजा जाता है। वहाँ सबस्टेशन के भेजने के बाद उस सबस्टेशन से 11 केवी का खंभा से ये जाता है और एक ट्रांसफार्मर के पास। ये हम लोग का 11 केवी का खंभा जो हम लोग देखते हैं अक्सर, ये 3 तार लगा रहता है, तो ये है 11 केवी का खंभा। इसके बाद यहाँ से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास जाता है जो 50 केवी, 100 केवी, 220 केवी, बहुत सारा चीज़ रहता है, बहुत सारा केवी का ये ट्रांसफार्मर रहता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सब ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, 100 केवी, 50 केवी, 250 केवी, ये सब लगे रहते हैं। इससे स्टेप डाउन करके 11 केवी को 440 वोल्ट और 220 वोल्ट किया जाता है, जो कि हम लोग का घर में यूज करने का लायक रहता है। जैसे कि आप लोग बल्ब में भी देखे होंगे 220 वोल्ट वो सब, और जो 440 वोल्ट निकलता है वो जाके प्लांट में जाता है, वहाँ पे 3-फेज लाइन जिसको बोलते हैं 440 वोल्ट, तब जाके हम लोग का घर में रोशनी होता है। ये है पूरा सफ़र बिजली का। उसके बाद हम लोग का घर में एसी, कूलर और अपना फ्रिज और टीवी ये सब चलता है।